ऑन द स्पॉट 24 के डिजिटल मीडिया में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। साहेबगंज जिले में एक बड़ी घटना घटी थी, जहां एक पुत्र के द्वारा अपने ही पिता और सौतेली मां को ताबड़तोड़ गोली मार करके जो है मौत के घाट उतार दिया गया था। घटना 26 जून 2023 को जिरवाबाड़ी ओपी अंतर्गत न्यू भवनाथ कॉलोनी में घटी थी, जहाँ जो है एक पुत्र के द्वारा इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद जो है पुलिस उस आरोपी को तलाश कर रही थी। और इसी क्रम में जो है पुलिस को गुप्त सूचना मिली और पुलिस ने जो है पूर्णिया के एक होटल से जो है आरोपी पुत्र विष्णु यादव उर्फ लालू यादव और उसके सहयोगी नितेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में SDPO ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही थी और आरोपी को जो है धर दबोचा गया। प्रारंभिक अनुसंधान में पता चला कि यह पारिवारिक विवाद है, आगे अनुसंधान जारी है। संख्या 160/23 जो दिनांक 26/6/23 को अंकित किया गया था, है ना, जिसमें यह था कि पप्पू यादव और सुमित यादव और उनकी पत्नी मिल्ली सिंह दोनों FCI गोदाम के पीछे भावानाथ कॉलोनी में रहते थे। उनकी हत्या के संदर्भ में कांड दर्ज की गई थी। उस कांड के दो प्राथमिकी अभियुक्त नामजद प्राथमिक विष्णु यादव और गोलू यादव, पिता पप्पू यादव जो मृतक के लड़का है, एक नितेश यादव पिता जगन्नाथ यादव सकरी गली हाथीगढ़ के रहने वाले, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोग से पूछताछ पूर्णिया से होटल से हुई है। हत्या का क्या कुछ कारण रहा है? पारिवारिक विवाद है। शायद कि मृतक अभी तक अनुसंधान में आया कि मृतक 2-3 शादी किए हुए थे, एग्जैक्ट अभी पता नहीं चल पाया है, सबका सत्यापन करना है। सर इसके पास से कुछ हथियार भी? हथियार अभी नहीं मिला है। सर इस घटना में इनके अलावा किसी की संलिप्तता है? लेकिन वो अनुसंधान कर सकते हैं, उनका नाम नहीं। ये आज सुबह हुई है गिरफ्तारी, भोर में कहा, 8 में कहा, 8 बजे।